कोहबा क्षेत्र में वायरल का प्रकोप बढ़ने लगा है। प्राइवेट अस्पतालों से लेकर सरकारी अस्पतालों में वायरल मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। सिकोहबा क्षेत्र में वायरल रोगियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अगस्त से शुरू सितंबर के दूसरे सप्ताह तक मरीजों के और अधिक बढ़ने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। वर्तमान में सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों में वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वहीं जिला संयुक्त चिकित्सालय में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस समय वायरल में बुखार, जुखाम, खांसी, सर्दी एवं अन्य स्थिति में तेज बुखार, बदन दर्द, टाइफाइड, प्लेटलेट्स कम होना, कमजोरी के साथ कई अन्य तकलीफ पैदा हो रही है। इस संबंध में CMH डॉक्टर आलोक कुमार ने बताया कि वायरल से बचने के लिए घर में लगे कूलरों में पानी निकाल दें, वहीं उसकी घास को जला दें। घर के आसपास नालों में मिट्टी का तेल भी डाल सकते हैं। पशुओं में पानी को नित्य प्रतिदिन बदलते रहें। पूरे हाथ पैर ढकने वाले कपड़े ही पहने। मास्क का उपयोग जरूर करें। जिस परिवार में यदि किसी को वायरल है तो उस परिवार के अन्य सदस्य वायरल से बचने के लिए सरकारी अस्पताल से दवाई ले सकते हैं। उबले हुए पानी का इस्तेमाल करें तथा मच्छर आदि से बचें। अस्पताल में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध हैं। जो भी मरीज आ रहे हैं उसको उसी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं डॉक्टरों की भी कोई कमी नहीं है। देखिए फिरोजाबाद से सौराज सिंह, जिला संवाददाता की रिपोर्ट है स्केच न्यूज। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये इस तरह की बीमारियां जो हैं, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है। मतलब किसी एक जानवर से दूसरे मनुष्य में पहुंचती हैं। जैसे इसके लिए मच्छर जिम्मेदार है। मच्छर जो है, इसका जो मलेरिया का मच्छर है वो गंदे पानी में, लेकिन डेंगू का साफ पानी में मच्छर पैदा होता है। ये मच्छर जो है, मलेरिया का मच्छर रात में काटता है, लेकिन डेंगू का मच्छर दिन में काटता है। और ये अगर हमारे यहाँ आसपास हमारे घर में गंदा पानी इकट्ठा रहेगा, या साफ पानी को हम ढक्के नहीं रखेंगे और खुले में रखेंगे, उसे डेली बदलेंगे नहीं, तो वहाँ पे ये मच्छर पैदा होने की संभावनाएं होती हैं। और जब मच्छर काटेगा तो ये बीमारियाँ दोनों होने की संभावना होती है और बीमारी फैलेगी। विगत समय में हमने जैसा कि देखा था, वाटर लॉगिंग बहुत हुई थी, क्योंकि बारिश कभी कभी अत्यधिक हुई थी, जिसके कारण वाटर लॉगिंग हो गई, गंदगी हो गई। उन कारणों से वहाँ पे मच्छर पनपे। अभी आपने देखा होगा कुछ लोगों के घर में जैसे कूलर लगे थे गर्मियों में, वो आज तक हटाए नहीं गए हैं। उनमें थोड़ा बहुत पानी पड़ा हुआ है, घास लगी हुई है। इस समय कूलर बिल्कुल, घास भी हटा देनी चाहिए, कूलर भी हटा देना चाहिए, खाली करके बांध करके एक तरफ रख देना चाहिए। तो और जो घर में जैसे जानवरों के लिए पानी भरते हैं या किसी और चीज़ के लिए, उसे डेली बदलना चाहिए। और जो ड्रम वगैरह में पानी हम रखते हैं उसे ढक के रखें, ताकि मच्छरों को पैदा होने का स्कोप ना रहे। जो नालियां हैं उनमें मिट्टी का तेल डाल सकते हैं हम, ड्यूटी डाल सकते हैं, ताकि वहाँ मच्छर पैदा ना हो। दूसरी बात यह है कि घरों में जाली के दरवाजे लगवाएं, मच्छरदानी लगाएं। बहुत सारे बाजार में प्रोडक्ट आते हैं जो मच्छर को भगाने के लिए, किसी तरह की तेल, क्रीम या गुड नाइट जैसी इस तरह की, और ऑल आउट बहुत सारी कंपनियों की आती हैं, वो कोई इस्तेमाल कर सकते हैं हम। कुल मिला के जो, और बच्चे जो हैं और बड़े सभी, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, पूरे कपड़े पहने, ढक के रखें शरीर को मच्छरों के प्रकोप से।